बेगूसराय पुलिस ने लूट के दौरान हत्या मामले में 3 अपराधियों को और हत्या के एक अन्य मामले में 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि 24 अगस्त की रात गढ़हारा थाना क्षेत्र के ठकुरी चक में मोबाइल लूटकर भाग रहे अपराधियों का पीछा करने पर विष्णुपुर निवासी रूपेश कुमार की गोली मारकर हत्या अपराधियों ने कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर लूटी गई मोबाइल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और घटना में प्रयोग किया हुआ पल्सर बाइक बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी अंकित कुमार, ओम प्रकाश कुमार और अमन कुमार है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन मोबाइल लूट के दौरान हत्या की बात अपराधियों ने स्वीकार की है। इसके अलावा फुलबरिया थाना क्षेत्र के फुलबरिया में कल देर रात जमीन के विवाद में एक युवक की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अनिल कुमार और कमलेश कुमार पिता पुत्र है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय से पिंकल कुमार, टीम DNCT लाइव बेगूसराय। किया गया है, कौन सा अपराधी? कल दिनांक 13 सितंबर 2019 को बेगूसराय जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 24 अगस्त 2019 को गढ़हारा थाना क्षेत्र में पहले एक व्यक्ति से मोबाइल की लूट की गई थी, उसके पश्चात एक दूसरे व्यक्ति को जो पीछा कर रहा था उस पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी अपराधियों के द्वारा, जिसके उद्भेदन के लिए एक टीम बनाई गई थी। ASP ऑपरेशंस, SDPO सदर, थाना अध्यक्ष गढ़हारा, FCI रिफाइनरी और बरौनी थाना को लेकर, और उस टीम ने अनुसंधान किया। जो उसमें कल सूचना प्राप्त हुई कुछ अपराधियों के विषय में जो इस कांड से संबंधित थे, और उसमें छापेमारी करके 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से देसी कट्टा मिला है, 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस। अपराध में प्रयुक्त किए जाने वाला काला पल्सर मोटरसाइकिल की बात आ रही थी, वो भी जब्त किया गया है। उनके पास से लूटी गई मोबाइल बरामद कर ली गई और उसके अलावा 4 अन्य मोबाइल भी बरामद हुए। लोगों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया है। इन सभी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, सभी नए लड़के हैं जो अपराध की दुनिया में संभवतः पहली बार क्राइम करने उतरे हैं। इसमें एक अमन कुमार है जो बीएड कराने वाला है, ओम प्रकाश उर्फ छोटू है तेगड़ा थाना का, और अंकित कुमार है वो भी तेगड़ा थाना का। इनसे और भी पूछताछ में कुछ बातें सामने आई हैं जिसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बकरी थाना में जो डरा पुल के पास 2 दिन लगातार लूट की घटना हुई थी, जिसमें कैश लूटा गया था, उसमें उद्भेदन कर लिया गया था, अपराधी की गिरफ्तारी शेष थी, जिसमें एक अपराधी हरिबोल तांती की गिरफ्तारी की गई है, उसको जेल भेजा गया। इसके अलावा एक शराब की बरामदगी हुई है कल मुफस्सिल और सिंगौल थाना क्षेत्र में, कुल 3900 लीटर करीब शराब बरामद हुआ है। एक कंटेनर, छोटा कंटेनर है, एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो शराब तस्कर हैं। उनसे पूछताछ में 6-7 और शराब व्यवसाय में लिप्त लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। एक और घटना, कल थाना में एक मर्डर का कांड दर्ज हुआ था, आपसी विवाद में बात सामने आई थी कि उसमें हत्या कर दी गई गोली मारकर, उसमें तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके छापेमारी की गई और 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष और जो अभियुक्त बचे हैं उनकी छापेमारी की जा रही है। रिश्तेदारी है, आपसी विवाद का ही बात आ रहा है सामने। उसमें अमित कुमार पिता ईश्वर चंद सिंह फुलवरिया के रहने वाले, उनकी हत्या कर प्राथमिकी दर्ज की गई।